दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। रविवार को सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया था। हालांकि ऐसे मौके पर भी सिसोदिया राजनीति करने से नहीं चूके। वो जनता के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि वो ईमानदार हैं और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसी वजह से सुबह सबसे पहले सिसोदिया राजघाट पहुंचे। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रोड शो करते हुए सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। बता दें कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से पहले पूछताछ की थी। सिसोदिया ने पूछताछ के पहले ही यह आशंका जताई जा रही थी कि उनको दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के करीबी और कुछ शराब कारोबारियों से मिली जानकारी के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये तानाशाही की इंतहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष निर्दोष है। वहीं भाजपा की ओर से भी पलटवार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए गए हैं। सरकार का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब व्यापारियों की लाइसेंस देने की नीतियों में किए थे बदलाव। सरकार ने डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत भी ली थी। ऐसे और भी कई आरोप दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया पर लगाए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के सबूतों को मिटाने का आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सिसोदिया को लगभग 9 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।